हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जय गणेश जी महाराज की। गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम निकल पड़े हैं गणपति के दर्शन के लिए, और अभी हम पहुंच चुके हैं सरायकेल के गुड़ मंडी में। और यहां पे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा जो है, कितनी सुंदर सी झांकी यहां पे गणपति की सजाई गई है। और यहाँ पे गणपति विराजमान है, रिद्धि सिद्धि हैं, और पीछे शंकर पार्वती का जो अर्धनारीश्वर रूप है वो भी इसमें देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। ये गुड़मंडी में सबसे पहले सरायकेल में गुड़मंडी में ही सजाया गया था गणपति, यहीं से शुरुआत हुई है। और अब तो कई सालों में सरायकेल में कई जगह गणपति पंडाल सजने लगा है। तो गाइस, देखते रहिए, अभी हम आपको कई जगह लेके चलेंगे, दिखाएंगे सरायकेला में कैसे गणपति का जो है पंडाल सज रहा है और गणेश उत्सव कैसे मनाया जा रहा है। तो गाइस, बने रहिए हमारे साथ, दिखाएंगे आप लोगों को एक एक ही। तो देखिए, यहाँ पे भक्तगढ़ पूजा कर रहे हैं और ये हमारे बिट्टू भैया प्रसाद बांटते बैठे हुए हैं। गाइस, अभी हम आ चुके हैं मौलवीगंज में, और मौलवीगंज में देखते हैं कि इस बार क्या सजावट की गई है। नवरात्रि के टाइम पिछले साल जब हम मौलवीगंज आए गए थे तो बहुत बढ़िया डेकोरेशन यहाँ पे इसी गली में देखा गया था, और ये ऋषि के शर्मानी हमें मिल गए हैं रास्ते में। तो गाइस, देख सकते हैं गणेश उत्सव में जो गली जो है वो नई सजाई गई है, और ये हम गणपति के पंडाल तक आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ छोटी मैंने हमारी डांस कर रही हैं, और यहाँ पे देखिए बच्चे और भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं गाइस, अभी यहाँ पे गणपति का पंडाल सुंदर सजाया गया है। देख सकते हैं गाइस, बहुत ही सुंदर और भव्य और बड़ी प्रतिमा यहाँ पे गणेश जी की लाई गई है। बहुत सुंदर दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। सरायकेल में कई जगह गणेश उत्सव का पंडाल जो है सजने लगा है, और गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और जल्दी जल्दी लाइक कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरायकेल में ऐसे जो भी भक्ति चीज होती है, कोई शोभा यात्रा निकलती है या कोई पंडाल सजता है, तो हम उसको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे कितने सारे जो भक्तगढ़ हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, और हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं वो भक्ति गाने पे जो है अपना नृत्य प्रदर्शन कर रही हैं। तो गाइस, इन्जॉय करिए वीडियो को, आपको अभी और भी आगे पंडाल दिखाएंगे। तो गाइस, देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं जल्दी जल्दी से करण चौराहे की तरफ। करण चौराहे में भी यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रतिमा गणपति महाराज की यहाँ पे लगाई गई है, और हमारे प्रसिद्ध पंडित जी यहाँ पे पूजन करवा रहे हैं अभी। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर महिलाओं की भी काफ़ी ज़्यादा तादाद देखने के लिए मिल रही है, और इस समय आरती यहाँ पे शुरू हो चुकी है श्री गजानन महाराज की। बहुत ही सुंदर पंडाल दोस्तों यहाँ पे सजाया गया है।
देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो भक्तगढ़ है रोड बीच में पड़ती है, इसलिए बीच रोड को छोड़ करके साइड में सब लोग जो भक्तगढ़ हैं दूर से ही गणपति के दर्शन कर रहे हैं। और गाइस बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, अभी आगे एक पंडाल में और जाना है हमें, अभी एक पंडाल और आगे मिलेगा, उसके बाद वहाँ पे दर्शन करके हम लोग सीधे घर आएंगे। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस देख सकते हैं हम अभी आ चुके हैं करण चौराहे में, बिल्कुल दूसरे पंडाल पर, और यहाँ पे गणपति का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे सजावट जो है बहुत ही सिंपल की गई है, लेकिन जो गणपति की मूर्ति है बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। यहाँ पे गणपति महाराज जी हमारे गरुड़ पे बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। और देख सकते हैं यहाँ पर बाहर की ओर भंडारा भी चल रहा है, तो गाइस यहाँ पे भंडारा भी हो रहा है और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं कई सारे भक्त। अभी हम भी यहाँ पे बैठ के प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हमारे रामलीला मैदान के RLM ग्रुप पूरा बैठा हुआ है, भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहा है। और RLM ग्रुप के अध्यक्ष रिशु के सरवानी जी भी बैठे हुए हैं, और सभी RLM ग्रुप के कार्यकर्ता अध्यक्ष जी के साथ अपने भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो गाइस हम भी अभी बैठ चुके हैं पंक्ति में, सो गाइस अब लेते हैं प्रसाद का आनंद और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक देना और सब्सक्राइब भी कर लेना और घंटे का आइकन भी दबा देना।